हाय गाइस, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट इंटरव्यू कैश जून कनिष्ठ सहायक साक्षात्कार जो हो रहा है, उसमें जो भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो पूछे जा रहे हैं वो मैं सब आप लोगों के सामने लाया हूँ। आइए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था वो पानीपत का अंतिम युद्ध किनके किनके मध्य हुआ था। तो पहला जो क्वेश्चन था वो पानीपत का युद्ध था, किनके किनके मध्य हुआ था, वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। चंद्रमा का पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में वो समय लगता है 1 मिनट 28 सेकेंड। ये जो समय है वो सूर्य के प्रकाश पहुंचने से काफी कम समय है। ये जो सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकेंड या 20 सेकेंड लगभग लगता है, और चंद्रमा का प्रकाश पहुंचने पर पृथ्वी में वो लगता है 1 मिनट 28 सेकेंड। अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश पूर्वी देशांतर एवं 180 अंश पश्चिमी रेखाओं के मिलन को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था बहुत ही शक्तिशाली राजा था, वो मौर्य वंश का संस्थापक था। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि पूरा वीडियो जब तक आप लोग नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को सारे क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे इंटरव्यू में जो पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें, और इसका पीडीएफ मैं अपने एक वेबसाइट पर डाला हुआ है, मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो में दे दूंगा, तो आप ये वीडियो जरूर पूरा पूरा देखें। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो द्वैतवाद क्या है और सांख्य दर्शन क्या है। तो द्वैतवाद के प्रतिपादक जो हैं वो हैं माध्वाचार्य हैं, और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं महर्षि कपिल। अगला जो पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समताप मंडल, अच्छा ये सॉरी मिस्टेक हो गया, ये पिछला क्वेश्चन जो था वो उसका यहाँ पर आ गया है मिस्टेक से। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो समताप मंडल की रेंज कितनी होती है। समताप मंडल की रेंज जो होती है वो 18 से 50 किमी की ऊंचाई तक होती है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है, मतलब ये ऐसा मंडल है जिसमें हम एरोप्लेन से लेकर हेलीकॉप्टर से लेकर सारी चीज़ इसी में उड़ा सकते हैं, इसी रेंज में, इससे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ा सकते हैं, तो इसे समताप मंडल कहते हैं। अगला जो है, भारत की सबसे बड़ी झील किस राज्य में है। तो भारत की सबसे बड़ी झील है उड़ीसा में है, जो कि खारे पानी की झील है। उड़ीसा में भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला जो पूछा गया है वो ओजोन परत को नष्ट करने वाली कौन सी गैस होती है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जिसे हम सीएफसी के नाम से भी जानते हैं। सीएफसी हमारा केमिस्ट्री का ये हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, जिसका फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो आइए अगला देखते हैं। संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। तो वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किया था। अगर यहाँ पर पूछ देता है कि संविधान सभा की अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 21 में क्या है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तथा जीवन जीने और शारीरिक रूप से स्वतंत्रता का अधिकार किसी व्यक्ति के सिर्फ विधि यानी कानून के द्वारा ही लिया जा सकेगा, और किसी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह किसी व्यक्ति का जीवन ले ले, अर्थात जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। राज्यसभा की प्रथम बैठक जो हुई है वो 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी, पहली बैठक हुई थी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो, हालांकि ये क्वेश्चन 22 जून का पूछा गया था, जो फुल नेम ऑफ आईएएस एंड पीसीएस है। मुझे एक छात्र ने कमेंट करके बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आईएएस इंडियन
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस का जो फुल फॉर्म है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एक बात तो मैं यहाँ फिर से बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में चल रही योजना के बारे में प्रतिदिन पूछा जा रहा है, जो कि मैंने उन योजनाओं को अपने वीडियो में शामिल नहीं किया है, क्योंकि मैंने उन सारी वीडियो का, ये सारी योजनाओं का एक अलग से वीडियो बना लिया है। तो आप लोग चाहे तो मेरे चैनल में जाकर आप वो वीडियो, यूपीए से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है इसमें पीसीएस का फुल फॉर्म। तो पीसीएस का फुल फॉर्म जो होता है वो प्रोविंशियल सिविल सर्विस, प्रोविंशियल सिविल सर्विस होता है पीसीएस का फुल फॉर्म। अगला जो क्वेश्चन था वो सर्वप्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे, तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी बहुत सारे पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया, तो योजना आयोग का ही नाम, नीति आयोग का ही नाम पहले योजना आयोग था, जिसे बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है, तो वो है 1 जनवरी 2015 को बदलकर किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है मेघालय तथा मणिपुर की राजधानी बताइए, तो मेघालय और मणिपुर की राजधानी जो है शिलांग तथा इम्फाल है। और देखिए नीचे जो ये लिंक देख रहे हैं ये मेरे वेबसाइट का लिंक है, ये इस लिंक को आप अच्छे से देख लीजिए या नोट कर लीजिए कहीं पर, sites.google.com साइट इच्छा सेंटर ऑफ एजुकेशन, ये जो लिंक है इसी लिंक पर आपको ये सारे PDF मिलेंगे, जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो सारे PDF उस पर आपको मिल जाएंगे आसानी से। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो प्रदेश, एक मिनट, प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है वो बलिया है। तृतीय गोल में सम्मेलन कब हुआ था, तो तृतीय गोल में सम्मेलन हुआ था 1932 में। अगला जो क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आधार क्या है, जो आज इस समय आधार कार्ड चल रही है उसके बारे में पूछा गया, आधार क्या है, यह वह योजना है जिसके द्वारा UIDAI सभी भारतीय नागरिकों को अनन्य नंबर जारी करता है जो कि 12 अंकों का होता है। इमल्सन का एक उदाहरण दीजिए, तो इमल्सन का उदाहरण दूध होता है। बता देना चाहता हूँ कि जो लोग, जो भी स्टूडेंट हो जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का जो आइकन है उसे जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको ही आसानी होगी और आप तक मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। मतलब मान लीजिए ये कार्बन है, कार्बन का C6 होता है परमाणु क्रमांक C6 और ये 12 होता है, तो इसके सी के साथ साथ इसके बाद का जो भी है, मान लीजिए नाइट्रोजन है तो ये भी 6 हो गया, इसका परमाणु क्रमांक देख रहे हैं समान है तो ये समस्थानिक कहलाएंगे, तो यहाँ पर 14 इसका परमाणु क्रमांक होता है, तो इस तरह से ये समस्थानिक कहलाते हैं क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक समान होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो भूमिगत जल को दूषित करने के, जो दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक क्या हैं, तो भूमिगत जल जो है उसे दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं वो है आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था अपेक्षिक आर्द्रता किसे से मापी जाती है, तो अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर से। केल्विन पैमाने के कितने केल्विन पर जल उबलता है, केल्विन पैमाना जो होता है उसमें पूछा गया है कि कितने केल्विन पर जल उबलना शुरू हो जाता है, मतलब कि 370 डिग्री केल्विन पर जल उबलना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्लवन का सिद्धांत किसने दिया, तो प्लवन का सिद्धांत जिसने दिया उनका नाम है आर्किमिडीज ने, आर्किमिडीज ने प्लवन का सिद्धांत दिया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था समान आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, ये जो दूरी होती है वो
सामान्य आँख के लिए वो 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए आगे देखते हैं। मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था? तो मिस वर्ल्ड का किसका खिताब जीतने जीता वो है मानुषी छिल्लर ने, जो हरियाणा की थी। अगला जो है, उत्तर प्रदेश से सटे कितने राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश से सीटें सटे 9 राज्य हैं, जिसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि नई दिल्ली है, तथा 8 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब 9 राज्य टोटल हैं जो है, और बिहार अगला अंतिम राज्य है बिहार। कुछ प्रश्न पिछले वीडियो से लिए गए थे, जिन्हें मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है, इसलिए आप सब सारे साक्षात्कार जितने भी इंटरव्यू हुए हैं, जितने भी इंटरव्यू के वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो सारे आप लोग रिवाइज करते रहिए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो इंटरव्यू देने में। अगर आपको मेरा चैनल ये वाकई में अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। सेंटीमीटर ठीक। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो प्रकाश की चाल किसके चाल के समान होती है? तो प्रकाश की चाल होती है ध्वनि तरंग की गति के समान होती है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड एक टाइपराइटर के समान कुंजियों वाला उपकरण है, उपकरण होता है जिनमें 101 से 108 तक की कुंजियां होती हैं। और कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? कह सकते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो वह है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर बंद होने के बाद डाटा कहाँ स्टोर होता है? तो कंप्यूटर बंद होने के बाद डाटा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था पिछले इंटरव्यू में, पूछा गया था 21 जून वाले में, तो एक गज में कितना इंच होता है? तो एक गज में 36 इंच होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो पीडीएफ क्या होता है? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है वो भी पीडीएफ का फुल फॉर्म है। आगे चलिए देखते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।